हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा कि गैरों की बारी ही नहीं आई। मुझे हंस भी लिया करो कदे की लेना सड़े बले रह के। मैं ते आप बहुत सीरियस रह के वेख लिया वा भाई, मेरा ते अपना हासा निकल जांदा वा। ओ वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आ गया है बाबा ते छा गया है बाबा। वीडियो एंड तक लास्ट में वॉच कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर वन है कि आप हेयर ब्रश को किस तरह इजीली साफ कर सकते हैं। एक तो इसका मेथड यह है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर लें, उससे भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसके लिए आपने कोई भी कंघा ले लेना है और या जो है आप टेल कॉम्ब ले लें। मैं टेल कॉम्ब यूज करूंगी और बस आपने इसको बीच में इस तरह से मूव करते जाना है तो सारे बाल इसके निकल आएंगे बहुत ही आसानी के साथ। टेल कॉम्ब के साथ करने का ये फायदा है कि इसको आप कंघे वाली साइड से भी बाल निकाल सकते हैं और जो पीछे इसकी सुई की शेप की टेल बनी हुई है उसके साथ भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मेरे ते वीडियो तुहानू सिखाने दे चक्रां च तुहाडी बाजी ने कंगे चो वाल नहीं कड्डे के तुहानू तकासा के किंज कट देने। इसी होता है कि कोई भी किसी भी किस्म का जो कुछ भी हेयर ब्रश में फंसा हुआ होता है बहुत ही आसानी के साथ निकल आता है। किथे 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 चले हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बालों में लगाने वाली ये हेयर पिन तो हर घर में लाजमी मौजूद होती है। इसकी मदद से जितना वधिया हेयर ब्रश साफ होना है मैं कहती हूँ खीर हो जानी है, अनिया पै जानी है। ये देखें जी, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। इसके साथ सारी इच्ची बिच्ची हेयर ब्रश की बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। कल जी श्री क्या ने मैनू किया कि एक बात कहें बुरा तो नहीं मनाओगी। मैं क्या जी, आपकी पहले कोई बात मुझे कभी अच्छी लगी? अच्छा मैं आपकी इस बात का बुरा मनाऊंगी है कि नहीं? सही जवाब दिता ना तुहाडी दिल बाजी ने, फिर कमेंट सेशन च दसियो। एंड हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ हेयर ब्रश। देखें जी कितनी आसानी से घर में अवेलेबल चीजों के साथ लश पश हेयर ब्रश साफ हो गया। जैम के ये जो जार होते हैं ये तो हर घर में लाजमी मौजूद होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई स्टिकर लगा हुआ हो तो उनको आप फुल तेज़ गर्म पानी में डाल के जब निकालेंगे तो स्टिकर उतर जाएगा। इनको वेस्ट मत किया करें, इनके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आप इनको गमले के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैदा बेसन या सूजी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और आप उनको लगने से बचाना चाह रहे हैं, लगने से बचाना मतलब कि जो इनमें सुसरी या सुंडी वगैरह पैदा हो जाती है उससे बचाने के लिए आप इसको इसमें रख दें। ये एक तो एयर टाइट हो जाएगा तो इसमें इसके लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और हमारी चीज़ बिल्कुल महफूज रहेगी। एक और इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप इसमें सिरप रख सकते हैं जो बहुत अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेंगे। सेकेंडली आप इसमें जो गोलियाँ होती हैं मेडिसिन वो भी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपने साइड टेबल के ड्रॉ में रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा इसके अलावा जो हमारे किचन में एसेंस मौजूद होते हैं डिफरेंट फ्लेवर के, इलायची हो गया, वेनिला हो गया, इनको आप इसमें बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनको वेस्ट मत किया करें, नाले वीरे ते वीरनियो इन्हों वेच के पति से ना खाया करो। इन्हों किसी काम चले आओ, इनमें गमले लगाएं और या आप इनको किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर थ्री है कि जब भी आप दूध बॉईल कर रहे हों तो देगची के किनारों पे आपने घी का चम्मच फेर देना है। अब इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिन बहनों को किचन से नाले वीरियां किचन से बाहर जाना पड़ता है, जड़े व्याई वरे ने दूध बॉईल करते हुए किचन से बाहर जाना पड़ सकता है या दूध बॉईल होने के लिए जब रखते हैं तो भूल जाने की आदत है, तो इस सूरत में जो दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि किनारों पे घी लगा होगा और डेक्ची के अंदर ही रहेगा दूध। वीरे ते वीरनियो इधर ध्यान करो, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रही हूँ। पतीली के किनारों पे मैंने हल्का सा घी लगा दिया था, अब इसकी वजह से दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है, हत्ता कि ये टॉप पे पहुँच गया। जब भी हम किचन में रोटियां बना रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे अभी नमी वाले दिनों में जो बेलना है इसमें भी नमी आ जाती है, तो अभी मैंने इसको वॉश किया उसके बावजूद भी आटा इसके साथ चिपक रहा था, तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन यह है कि आप इसको आग पे चंगा सेका दें तो उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। टिप नंबर फाइव वीरे ते वीरनियो बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर ये होता है कि जो हमारी बेडशीट्स हैं वो इस्त्री लग जाने की वजह से जल जाती हैं या फट जाती हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके या कोई भी मसला हो जाता है, तो उसको हमने वेस्ट होने से कैसे बचाना है ये मैं आपको बताऊंगी।
मेरे साथ भी ये सानिया हुआ है। मेरी बेडशीट इस्त्री लगने की वजह से जल गई थी, तो लेकिन अब मैं इसको किस तरह से फिक्स करूंगी मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपको इसके साथ का कलर में फैब्रिक मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि अब आप परेशान होना छोड़ देंगे। मेरे पास ये फैब्रिक था तो मैंने ये ले लिया है। जितना हिस्सा भी जल गया हुआ था उसकी मेजरमेंट करके मैंने इसको गोलाई में शेप दे ली है ताकि वो एरिया इसके अंदर कवर हो जाए। ये मैंने सीधी तरफ ही रखा है कपड़ा, और अब मैं इसको पिनों की मदद से पिन अप कर लूंगी ताकि मैं इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लूं। वीडियो एंड तक लास्ट में वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अभी मैंने पिन्स को अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है ताकि कपड़ा अपनी जगह पे फिक्स रहे और हमें सिलाई करते हुए कोई भी मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, ये बात याद रखियेगा की बेडशीट की भी सीधी साइड है और जो कपड़ा है उसकी भी सीधी साइड है। अब मैं इसको ले आई हूँ मशीन पे और मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊंगी, सिर्फ सिंगल फोल्ड करूंगी और इसको सिलाई करती जाऊंगी। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप बस इसको अंदर एक दफा फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, बहुत ही अच्छी गोलाई की शेप आएगी। ठन ठना, हियर वी गो। अब आप देखें फैब्रिक इसके साथ का नहीं है लेकिन जो इस पे फ्लावर ऑलरेडी मौजूद है ग्रे कलर के, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फ्लावर के साथ का ही है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई कुशन पड़ा हुआ है, छोटा सा मुन्ना सा क्यूट सा। महंगाई बहुत हो गई है, बट को वेस्ट होने से बचाएं और उनको बेहतरीन इस्तेमाल में लाएं। अगर मैं इसकी बैक साइड पे ये लगाती तो ऊपर से ये ऐसे ही रहना था। अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा कि जहां से ये जल गया था तो ये कितनी जगह से डैमेज हुआ है। तो वीरे ते वीरनियों, मेरी सारी हैक्स पे अमल करके समझदार हो दिया पाद वो अनिया। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अंगूठे ते जेड़ा खर्चा सी हो मैं दे ही देसा, और हाँ मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबा दें। थैंक यू सो मच, मुझे पता था आप लास्ट में दबाएंगे। टेक केयर, फी मान अल्लाह।